अक्सर कनॉट प्लेस आप जब भी जाते हैं तो यहाँ के महंगे महंगे कैफे देख के आप भी यही सोचते हैं कि काश हार्ट ऑफ कैपिटल में कोई ऐसा कैफे आ जाए जो पॉकेट फ्रेंडली हो, जहाँ की वाइब बढ़िया हो और जहाँ आप अपने लव्ड वंस के साथ बढ़िया टाइम स्पेंड कर सके। तो मैंने आपके लिए एक ऐसी जगह ढूंढ ली है, वेलकम टू सिटी हार्ट्स कैफे, जहाँ आपको पिज्जा से लेके पास्ता तक, सैंडविच से लेके यहाँ की कॉफी तक सब अमेजिंग तरीके से सर्व किया जाता है। और सबसे खास बात, ऑल दिस कम्स एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। इसके अलावा यहाँ का ये कोजी सा एटमॉस्फेयर और हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ज्यादा लाजवाब है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आई एम श्योर आपने ऐसी हॉस्पिटैलिटी, ऐसी वाइब और इतना बढ़िया खाना इतने कम दाम पे ना किसी भी कैफे में नहीं देखा होगा। हाय सर, ये हमारा न्यू कैफे ओपन हुआ है एम ब्लॉक में, सिटी आर्ट कैफे, तो प्लीज सर इसमें विजिट कीजिएगा। ये पैम्फलेट के साथ ये फ्रीबीज क्यों दे रहे हो आप? सर ये हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सिर्फ पैम्फलेट तो हर कोई देता है और नॉर्मली उसे लोग पढ़ के फेंक देते हैं। हाँ। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कस्टमर पढ़े इसे अच्छे से और विजिट करे हमारे कैफे। भाई ये तो नया ही कॉन्सेप्ट देखा है मैंने कि मतलब पैम्फलेट तो आपको हर जगह मिल जाता है, लेकिन पैम्फलेट के साथ देखो नमकीन का पैकेट दे रहे हैं कि भैया आप नमकीन खाते खाते हमारे कैफे पहुंचिए। बड़ी सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी है भाई। थर्ड आउटलेट है कैनॉट प्लेस में। अच्छा। हमें अभी एक साल हुआ है टोटल हमारे इस वेंचर को, एक साल में हमने 4 आउटलेट कर दिए। फोर्थ आउटलेट हमारा लक्ष्मी नगर में आ रहा है, जिसका ओपनिंग हमारा जून में कर देंगे, उसका इनॉग्रेशन हम। तो बस 23 है अभी भैया। भाई 23 साल की उम्र के अंदर 4 आउटलेट खोल दिए अपने बलबूते पे या पापा की? सब अपने उस पे कराया हमने। कैसे हुआ ये? मतलब जब फर्स्ट आउटलेट हमने खोला तो फंडिंग हमने किसी से लिया नहीं कुछ भी। बेसिकली क्या था कि 16 इयर्स के एज से मैं शेयर मार्केट में काम करता आ रहा हूँ, तो 4-5 साल मैंने वहाँ पे ट्रेडिंग करा काफी। मतलब कॉलेज भी मैंने इसलिए इवनिंग कॉलेज लिया था क्योंकि मॉर्निंग में मुझे ट्रेडिंग करना होता था पूरे टाइम। मतलब आया मैं फुल टाइम ट्रेडर था उस समय पे मैं बिल्कुल। लेकिन जब कोविड का टाइम आया तो उसमें काफी लॉस इनकर हो गया। जितना 5 साल में कमाया मैंने उतना एक हफ्ते में खत्म कर दिया था बिल्कुल। एक हफ्ते में सब खत्म कर दिया। फिर उसके बाद कुछ दिखाने की क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए लाइफ में। मतलब उसके बाद मैंने जॉब के इंटरव्यूज भी दिए पॉलिसी बाजार में, मतलब हर किसी की जॉब लग जाती है, वहां भी नहीं लगी मेरी कुछ भी। तो दोस्त कहते थे इस चीज में कि भाई यहाँ तो हर किसी की लग जाती है, वहां तो लग जानी चाहिए, 15,000-16,000 रुपये महीना इतना मिल ही जाता है वहाँ सबको। तो वहाँ भी रिजेक्शन हुआ। फिर मतलब 2-3 महीने खाली बैठे रहे, क्या करे। तो तब आया कि यार करना तो बिजनेस है, जॉब तो होनी पाएगी, बनी है फैमिली से, इंटरव्यू देने का कुछ फायदा है नहीं। सही बात है, बनिए नौकरी नहीं करते ना, हमारी फैमिली में कोई करता नौकरी जितने भी रिलेशन में हमारे। तो फिर मतलब बेसिकली मैंने सोचा कि यार क्या करा जाए। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट था, जिस फील्ड में इंटरेस्ट था हमारा, खाने पीने का, बचपन से खाने पीने के शौकीन रहे। बनिए लोगों को ना दो चीज़ों का शौक रहता है, खाने का भी रहता है और खिलाने का भी रहता है। तो खाने वाले तो आपको बड़े सारे मिल जाएंगे, लेकिन खिलाने वाले कुछ चुनिंदा है। तो भाई बताओ आपके यहाँ का जो मेन्यू है
इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे खाने में। और एक और चीज़ जो मैंने मेन्यू देख रहा था भाई, इतने कम दाम में स्कलॉट में इसमें कैसे खिला रहे हो? बेसिकली क्या है भैया, जो हमारा एम है दिल्ली आने का, जैसे पहले जब हम डीयू में था, मैं डीयू से ऐसे करा पाऊँ ग्रेजुएट, आप बातें करते रहो, मैं साथ साथ जी जी बिल्कुल बिल्कुल रोका नहीं जा रहा। हाँ बिल्कुल, जैसे डीयू में थे हम, तो वहाँ पे जब हम मैं सीपी आता था फ्रेंड्स का, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता था कि यार मतलब मैं तो हमें इशू नहीं आता था मेरे को एक्सपेंड करने में, लेकिन फिर भी लगता था मेरे को ये काफ़ी एक्सपेंसिव है यंगस्टर के हिसाब से, क्योंकि यंगस्टर को ये एक सिर्फ पॉकेट फ्रेंडली मतलब पॉकेट मनी मिलता है सिर्फ, और उसमें वो क्या क्या खर्च करे क्या क्या खर्च नहीं करे उस चीज़ में वो, तो उसमें बेसिकली मतलब मेरे दिमाग में फिर ये आया कि यार कैनॉट प्लेस में एक सस्ती चीज़ बढ़िया चीज़ और अच्छा एम्बियंस दिया जाए जो कोई नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमने प्राइजेज जो है काफ़ी ज़्यादा कम रखे हैं कि ज़्यादातर यूथ हमारे यहाँ पे आ पाए, पॉकेट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। और बेसिकली जो मतलब हमारा एक सफ़र रहा मेरठ से दिल्ली का, वो एक हमारा जुनून एक वो था कि यार कुछ करते हैं मतलब बड़ी जगह पर जाके, लोग ज़्यादातर मतलब बी टू एक कैटेगरी सिटी में आए तो कुछ करने आए, आगे ग्रो करने आए और लोगों को एक सस्ते में देने आए, मतलब प्रॉफिट हमारा नहीं है स्टार्टिंग में, हम नहीं चाहते कि प्रॉफिट हम कमाएं, नाम कमाना है हमें सिर्फ बेसिकली। क्या बात है, तो भाई देखिए इनकी जो जर्नी है ना खाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है, क्योंकि अपने बलबूते में इतनी कम उम्र में अगर इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिखाया ना, तो भैया अगर आप भी छोटी उम्र में कुछ सोच रहे हैं क्या करूं कैसे करूं, हिम्मत करिए सबसे पहले, क्योंकि अगर आप हिम्मत करेंगे ना तभी आप ये काम कर पाएंगे, और अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो शायद इनकी तरह 23 साल की उम्र में 4 आउटलेट कभी नहीं खोल पाएंगे। तो डू इट, यू कैन डू इट। और खाने की मैं बात करूँ, जैसे जैसे ये बात करते हैं पीछे पीछे से खाना खा रहा था भाई, सैंडविच बहुत बढ़िया, पिज़्ज़ा ऑफकोर्स तो हर किसी का फेवरेट होता ही होता है, और चाहे तो आप पास्ता स्पेगेटी ले, फ्यूजली ले, जो आपको लेना हो पेने ले, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे जो यहाँ पे लगी वो ये है कि ये 100% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे नॉनवेज सर्व नहीं किया जाता, और बहुत सस्ते दामों के अंदर पॉकेट फ्रेंडली कैफ़े है कनॉट प्लेस के अंदर। अगर आपको ऐसा कैफ़े मिल जाए, ऐसी ऑम्बियंस मिल जाए, इतनी बढ़िया हॉस्पिटैलिटी वाइब मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आपको दुखेगा या पिंच होगा यहाँ पे आने के लिए। तो कनॉट प्लेस में अगर नया कैफ़े, कुछ नया एक्सपीरियंस कर ढूंढ रहे हैं, वेजिटेरियन ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक आपको यहाँ आना चाहिए। और इनके जो शेक्स है ना, मैंने पहले कोल्ड कॉफ़ी पी के ट्राई कर लिया, बहुत बढ़िया। ये कौन सा वाला शेक है? न्यूटेला फ्रैपे। न्यूटेला फ्रैपे, और सर्व करने का तरीका देखो, स्टाइल देखो, कितना बढ़िया तरीका है जिस तरीके से इसको सर्व किया जाता है। हाँ क्या बात है, रिफ्रेशिंग। और न्यूटेला के शौकीन तो भैया जानते हैं कि न्यूटेला का फ्लेवर कैसा होता है, और बहुत ही टेस्टी है। तो यही कहूँगा कि ज़रूर आइएगा यार एक बार यहाँ पे सिटी हार्ट्स कैफे में। भी एक बार एड्रेस समझाओ जरा किसी को। एम ब्लॉक में भी हमारा M45 कैनॉट प्लेस, शंकर मार्केट के जस्ट सामने डोमिनोज वाली सर्कल पे हमारा है। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस पूरा दे दूंगा, तो ज़रूर आइएगा, ज़रूर खाइएगा, और बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रिकमेंडेशन, और ये भी बताइएगा इनकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो आपको कैसी लगी। सो बेसिकली हम जो हमारे आगे के ग्रोथ प्लान है हमारा ये है कि हम बाकी बिजनेसेस जो इस समय कर रहे हैं वो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस ले लेते हैं, रॉयल्टी लेते हैं, और फिर वो मतलब प्रॉपर सपोर्ट देते हैं वो, लेकिन जो फ्रेंचाइजी लेने वाला बंदा होता है उसके मन में एक रिस्क रहता है। तो हमने एक उसमें नया वो हमने निकाला, हमारी जो उसमें आगे डील्स हुई भी हैं, हमने ऐसा करा, हम उसे पार्टनरशिप बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ना हम कोई फ्रेंचाइजी फीस ले रहे, हम कुछ भी नहीं ले रहे फ्रेंचाइजर से, हम उन्हें सिर्फ एक पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं। जैसे जो फ्रेंचाइजी फीस का एक अमाउंट है और टोटल अमाउंट है, उस अमाउंट को हम पार्टनरशिप परसेंटेज दे रहे हैं, यानी कि जो लॉस हो वो भी हम बियर करेंगे, प्रॉफिट हो वो भी हम साथ में बियर करेंगे। मतलब कि फ्रेंचाइजर को रिस्क नहीं होगा उसमें कि उसका काम चल रहा है नहीं चल रहा, जो भी होगा सारा कंट्रोल हमारा होगा, सारे ऑपरेशन हमारे होंगे, सब कुछ हेडेक जो टोटल हमारा होगा। मतलब जो इस समय फ्रेंचाइजी का एक हाइप बना हुआ है मार्केट में कि भाई फ्रेंचाइजी दे दो और आउटलेट्स पर आउटलेट्स खोल दो, वैसा नहीं कर रहे हैं कुछ भी, हम चाह रहे हैं कि हम सब कुछ एक अपने उस पर लेके चले। मतलब कि जो फ्रेंचाइजर है उसे भी एक सेफ्टी रहनी चाहिए कि भाई सामने वाला बंदा भी प्रॉफिट शेयरिंग लॉस शेयरिंग में, तो उसे रिस्क उसका कम होना चाहिए, और टेंशन फ्री बैठ के उसे से अपना जो इन्वेस्टमेंट करा उस पर रिटर्न लेना चाहिए, उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी चीज़ की कि भाई काम चल रहा है चल रहा, वो सारा हेडेक हमारा होना चाहिए। तो आगे का हमारा ये प्लान है। माय गॉड, क्या एक्सपीरियंस था, क्या खाना था, क्या एम्बियंस थी, क्या वाइब थी, क्या हॉस्पिटैलिटी थी भाई, और इतने सस्ते दाम में कनॉट प्लेस में ऐसा खाना मिल जाए ना, सच में पहली बारी में तो यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब बैठ के खाया ना मज़ा आ गया भाई, सच बता रहा हूँ। मतलब अगर आप बढ़िया कैफे ढूंढ रहे हैं ना कनॉट प्लेस में सस्ते दामों में, जो आपकी पॉकेट को हिट ना करें ज़्यादा, तो एक बार सिटी हार्ट्स कैफे आइएगा, शेक्स पी सकते हैं, पिज़्ज़ास खा सकते हैं, पास्ताज खा सकते हैं, सैंडविचेस खा सकते हैं, कुछ भी खाइए, लेकिन एक बात की श्योरिटी है कि भाई मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए फिर चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे और देखते हैं और क्या क्या है हमारे लिए। तो जी उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आई हमारी ये रिकमेंडेशन जानकर, और अगर आई ना तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी जो खाने की तलाश है वो यूँ ही जारी रही, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई जगह पे एक नए खाने की तलाश। सर फोटो प्लीज़, हम लाइव फोटो प्रिंट करके देते हैं जिससे कस्टमर
फोटो संभाल के रखे और हमारी मेमोरी कैफे की मेमोरी वो अपने पास रख सके लंबे टाइम तक। अच्छा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? प्लीज, या इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। मतलब जब आपने शुरुआत की थी तो आपने देखा कैसे इन्होंने बढ़िया तरीके से पैम्फलेट दिया था, फ्रीबी के साथ बैलून दिया था, तो एक चेहरे पे स्माइल आ गई थी। अब जाते जाते पहले ही स्माइल आ चुकी थी खाना देख के, लेकिन मुझे लग रहा था कि हो गया, लेकिन भैया ने फिर से रोक लिया, बोला रुकिए पिक्चर क्लिक कराइए, अपनी पिक्चर साथ में लेके जाइए और मेमोरी के तौर पे उसको अपनी फेवरेट वॉल पे लगाइए, और हमें जब भी आपको बढ़िया कैफे की याद है तो सिटी हार्ट को देख के याद कर लीजिए। चलिए बैठिए, फिर फोटो खिंचवाते हैं और फिर।